सामने आ सके। तो आरोप यह है कि जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ वही कुछ सब कुछ, यानी जो उसकी रूपरेखा थी, यानी जो कैसे होना है, किसकी तरह क्या, जो उसका मोडस ऑपरेंडी है, वो सब कुछ जो था वो मौजूद था टूल किट में। और यही एक सवाल है जिसको लेकर आज हम अपने मेहमानों के सामने हाजिर हैं। जो मेहमान हमारे, उनसे तारुफ करा दें। डॉक्टर के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका खेड़ा कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। संजीव झा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं, थैंक यू सो मच संजीव जी। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। और अरविंद वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पेशे से वकील भी हैं, थैंक यू सो मच अरविंद वाजपेयी जी। सवाल ये है कि आरोप यह है, मैं भाटी जी आपके पास ही आना चाहता हूँ, आरोप यह है कि जो भी 26 जनवरी को हुआ, क्योंकि मुझे याद है ठीक उसके बाद जब हम शो कर रहे थे तो आपने कहा था इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में दूध का दूध और पानी पानी और तमाम सारी की बातें आप लोगों ने कही थी। तो जो कि जांच में निकल के आ रहा है वो 26 जनवरी की जो हिंसा है, जो है अफवाह फैलाने का जो आरोप है, वो ट्वीट के जरिए जो भड़काऊ बातें कहने का जो एक मोडस ऑपरेंडी है वो इसके द्वारा टूल किट के जरिए मिल रहा है और ये आरोप है। अब आप इस बात से संतुष्ट हैं लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि सरकार ज्यादती कर रही है। प्रतीक जी दो बातें अलग अलग हैं दोनों विषय। एक किसी आंदोलन में कुछ अप्रत्याशित हो जाना, अप्रिय हो जाना, थोड़ी बहुत हिंसा हो जाना या कहीं पथराव वगैरह इस तरह की घटनाएं हो जाना, ये भी गलत है। हम ये नहीं कह रहे इसका समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, ये भी गलत है। किसी आंदोलन में शांति भंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको देशद्रोह बता देना, उसे देश के खिलाफ षड्यंत्र बता देना, उसमें विदेशी हाथ बता देना, उसे ग्रेटा गैंग और देश तो टुकड़े टुकड़े गैंग और इस तरह कह के उसको बदनाम करना या उन पर उनका शोषण करना, उनके ऊपर अत्याचार करना, ये एक अलग विषय है। आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही होगी कि 21-21, 20-20 साल की लड़कियों से, बेटियों से, 18-18 साल की बेटियों से हमारे देश को खतरा पैदा हो गया, जो राजनीति में भी नहीं है, जो किसी संगठन से भी जुड़ी हुई नहीं है, जो किसी क्राइम में भी नहीं है जुड़ी हुई है। ये जो लड़की गिरफ्तार हुई है, भाटी साहब, मैं बीच में नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता और जब इतना ध्यान रखता हूँ, जब तारतम्यता टूटती है उससे, क्योंकि जो विचार लेके आदमी बैठा होता है वो ब्रेक होता है। लेकिन सामान्य घटना 26 जनवरी, सामान्य घटना नहीं है 26 जनवरी। लाल किले पर तिरंगा ही फहरा सकता, इसके अलावा कुछ नहीं फहराया जा सकता, और अगर फहराया जाता है तो वो राष्ट्रद्रोह है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसको कहने में कहीं कोई निसंकोच होकर बोलना चाहिए। और दूसरी बात, 21 बरस की बात आपने कही, लोगों ने कहा कि बुरहान वानी की उम्र 21 साल थी और अजमल कसाब की भी उम्र 21 बरस थी। ना मैं आ रहा हूं आम आदमी पार्टी में, बिल्कुल आ रहा हूं, एंड आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स। हम सारे युवा लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और सबने हवा में मुट्ठियां उठाई हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितने पैनल में बैठे हुए लोग हैं ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने यूनिवर्सिटी में बैठ के नारे ना लगाए हो, तो हम सारे लोग उससे निकले हैं। लेकिन मुझे ये बताया जाए, मैं आ रहा हूं आपके, आपको एक चांस देता हूं भाटी जी। नहीं, जो आपने जो दो आतंकवादियों का नाम लिया, बुरहान वानी और दूसरे क्या नाम लिया, क्या ग्रेटा थनबर्ग और ये दिशा रवि का अपराध उनके बराबर है? क्या ये कहीं हिंसा कर रही थी? क्या ये कहीं हथियार इकट्ठे कर रही थी? आप ये मुझे बताइए, मुझे ये बताइए, लाल किले पर झंडा फहरा देना क्या अपराध नहीं है? तो फिर चलिए, फिर सब लोग फहरा देते हैं झंडा, अपने अपने झंडे लाते हैं। नहीं, लाल, देखिए बिल्कुल बड़ी ईमानदारी की बात है, मैंने या किसी भी आंदोलनकारी ने या किसान आंदोलन ने या किसी पार्टी ने दीप सिद्धू का समर्थन नहीं किया है। प्रतीक जी, साजिश कहां पे थी? आप ही ने तो कहा था साजिश है, आंदोलन कर रहे हैं, आप ही ने तो कहा था साजिश है। मैं तो आज भी वही बात कह रहा हूँ, दीप सिद्धू ने जो अपराध किया उस अपराध का कोई समर्थन नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी हमारे साथ मौजूद है, वो आम आदमी पार्टी है, हमारे हमारे साथ बैठे मौजूद है। एक वाक्य बोलना था, प्लीज प्लीज प्लीज।
नहीं नहीं कोई ये जो नहीं, दिशा रवि जो गिरफ्तार हुई है इसकी, दिशा रवि की ये खबरें आ रही हैं, ऑथेंटिक खबरें हैं। दिशा रवि के परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। अगर ये परिवार देशद्रोही था तो भारतीय जनता पार्टी